AMS World School, NH9, Hapur Bypass Road, Hapur. A complete smart school with smart classes, AC classroom, GPS trackable transport facilities, shooting range, horse riding, cricket academy. Hurry, admissions open for session 2020-21 from classes pre-nursery to 8th. नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। थाना देहात क्षेत्र के गांधी विहार न्यू चंडी मंदिर के पास से चोरों ने विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर के अंदर के पुर्जे पार्ट्स चोरी करके फरार हो गए। रात के समय चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिजली विभाग को अब की बार निशाना बना डाला। आइए इस चोरी का संज्ञान चौधरी करणपाल सिंह से लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी करणपाल सिंह। अच्छा करणपाल जी, यहाँ पर क्या मामला हुआ है? मामला क्या हुआ, सुबह मैं 6:30 बजे ड्यूटी से आया तो मैंने कि आज भोले का दिन है, जरा चल के नहाएंगे धोएंगे जल चढ़ाने जाएंगे। यहाँ देखा तो लाइट नहीं आ रही। अच्छा। फिर मैंने 7:30 बजे करीब लैंडमैन पे फोन करा, खालिद पे, तो उसने 2 बार फोन करा, फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर विनोद लैंडमैन है, उस पर फोन करा, उसने मेरा फोन काट दिया। उसके बाद में फिर मैंने SDO साहब को फोन करा, मैंने कि सर जरा उनसे कह दो हमारे इधर लाइट नहीं आ रही, तो मैंने कि पब्लिक परेशान है, ऐसा ऐसा कहानी है। बोले चलो मैं कहता हूँ, फिर भी कोई नहीं आया। तो मैं 8 बजे के करीब फिर मैंने खालिद पे फिर दोबारा फोन करा, तो खालिद बोला कि अरे तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हारे उधर जो है ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। फिर मैं उधर से इधर आया देखने के लिए, देखा तो यहाँ पूरा काफी भीड़ लगी हुई और पूरा खुला पड़ा सामान यहाँ पे। फिर SDO साहब का फोन आया कि यार तुम्हारे उधर तो ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने सर हाँ मैं भी देख के आया हूँ अभी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुआ है पता ना, इसमें पूरा कुछ छोड़ा ही नहीं है, इसमें क्या आगे तो उल्टा कर रखा है, इसके सामान सब निकाल के ले गए, इसमें तार वार होता हो। तो SDO साहब ने क्या कहा फिर? SDO साहब ने यही कह दिया कि देखो तुम्हारे उधर जो है बीच घरों में ट्रांसफार्मर लगा हुआ फिर भी चोरी हो गया। मैंने कहा हाँ जी सर, मैंने कहा वहाँ तो मंदिर में भी आदमी रहते हैं, उधर मकान है, सब जगह आदमी रहते हैं। तो फिर उसके बाद में विभाग वाले आदमी अभी पता नहीं आए नहीं आए, तो इतना कह के फिर हम तो यहाँ से अपने घर चले गए। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।